भूल भुलैया ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता है सब डिसअपॉइंट हुए हैं। और उससे क्या हुआ है कि जो सिंघम अगेन के ट्रेलर में ओवर हाइप्ड कंटेंट स्टार देखने को मिले थे, कहीं का झमेला कहीं पे झमेला, जो कि लोगों को ना पसंद ही आ रहा था कि ये रोहित शेट्टी का वो भंडारे वाला काम हो चुका है कि कोई भी यहाँ पे आ रहा है और भंडारा खा कर जा रहा है। मैं मानता हूँ कि पुण्य का काम है, भंडारा खिलाना ही चाहिए, पर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद उन लोगों के विचार भी बदले हुए है कि हम इस मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में अभी भी तालियां और सीटी बजाने के लिए तत्पर है। क्योंकि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर तुम्हें कार्तिक की परफॉर्मेंस से लेकर और वो उसके द्वारा डिलीवर किए हुए डायलॉग तक क्रिंज महसूस कराते हैं। एंड दिस थिंग प्रॉमिसेस दैट दिस बिलो एवरेज इज गोइंग टू कम आउट। और ये सब उनकी तरफ से जो कि वो सब मान के चल रहे हैं, पर मैं ये सब मान के नहीं चल रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है ये काफी कुछ अभी भी हमसे छुपा रहे हैं, कि ये बस अपने ट्रेलर में ऊपर ऊपर की चीजें दिखा रहे हैं जिनको फैक्ट वाइज तुम गिन भी सकते हो। जिसमें कि पहला फैक्ट आता है कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस इन दिस ट्रेलर, जिसमें कि काफी लोग ऑफेंड हुए हुए हैं इंक्लूडिंग मी, कि फिर से वो ही चिंटू सोनू टीटू वाला करेक्टर क्या हुआ है। एंड देन कंपेयर विद अक्षय कुमार, एंड देन कंपेयर विद अक्षय कुमार जो कि तुम भूल ही जाना। दिस कंपैरिजन डज नॉट सीम राइट, वो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता है। तुमने वो वेल्सपम वंडर का एड देखा हुआ है, अक्षय कुमार उसमें अपने मीम्स रिक्रिएट करता हुआ नजर आता है, जो कि खुद अक्षय कुमार से नहीं हो पा रहा है। तो तुम उन्हें जब फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो डिफरेंस तुम्हें खुद से महसूस हो जाएगा। और जब किसी इंसान से खुद की चीजें खुद रिक्रिएट ना हो पाए तो फिर किसी और इंसान से ये होप रखना कि वो उस लेवल को टच कर पाएगा, तो ना दिस विल नॉट सेटिस्फाई एनीवन एंड देन इट विल कम आउट। तो जो भी भूल भुलैया के अंदर कार्तिक आर्यन अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है वो अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए कर रहा है, और अगर ये कोशिश है तो फिर ये सही है। जहां तक की बात आती है बंदे की परफॉर्मेंस की, तो फिर भूल भुलैया 2 की क्लाइमैक्स में बंदे ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां तुम अगर उन चार्मिंग चॉकलेट करेक्टर्स कैटेगरी वाली मूवी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो तो चंदू चैंपियन फ्रेडे अनदर धमाका उसमें बंदे की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और तुम उन्हें ऐसे कोई चलते हुए इग्नोर नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर। तो इसमें भी तुम ये एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हो कि बंदे की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए मूवी के अंदर, प्रोबेबली अनीस बाजमी करेंगे ही करेंगे, और ये हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ कार्तिक आर्यन, मिस होट, तृप्ति डिमरी इन भूल भुलैया 3 ट्रेलर, जो कि ट्रेलर में अपनी खूबसूरती को बनाए हुए हैं, जिसको देखकर लगता है कि बंदे को उसकी हॉटनेस के चलते या फिर अपने मेन करेक्टर की लव इंटरेस्ट के रूप में ही मूवी में रखा गया है। पर नहीं, तुम यहाँ पे गलत हो सकते हो। उसे देखकर ऐसा लगता है देयर सीम्स टू बी कि उसके करेक्टर में कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, मतलब कि बंदी कहीं कहीं पे आउट ऑफ सिलेबस भी जाती हुई नजर आती है, जिससे कि तुम ये जजमेंट कर सकते हो कि कहीं ये रियल मंजुली का भी हो सकती है। क्योंकि जब आखिरी वाले शॉट में, ट्रेलर के आखिरी वाले शॉट में मिस होट कार्तिक आर्यन को ऊपर बुलाती है, तो फिर वो एक मुस्कान देकर वो गंदे वाला मना करता है और फिर वहां से निकल जाता है, जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड होता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब क्यों नहीं जाने का, कि क्या उसके अंदर एक भूत की आत्मा है? प्रोबेबली इट्स चांस आर ये हो सकता है, मैं इस चीज से माइंड नहीं करता हूँ। एंड देन इसकी कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये उस फ्रेंचाइज से आती है जिस फ्रेंचाइज की नींव ही कॉमेडी पर टिकती है। देन तुम उस कॉमेडी को पीक पर लाने के लिए किस करेक्टर को देखते हो? छोटा पंडित, जिसको कि ट्रेलर में एक सिंगल डायलॉग तक नहीं दिया हुआ है। और छोटे पंडित का करेक्टर उन करेक्टर्स में से एक है जिसको कि पब्लिक के द्वारा काफी सराहना, काफी प्यार दिया जाता है, क्योंकि इस फ्रेंचाइज में वो एकमात्र करेक्टर है जिसको कि राजपाल यादव ने शुरू से ही प्ले किया हुआ है। एंड दिस करेक्टर इज प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल कोर ऑफ भूल भुलैया सीरीज एंड नन अदर देन सपोर्टिंग बट इम्पोर्टेंट कास्ट, जिसमें विजयराज, संजय मिश्रा, अश्विनी क्लेस्कर जो कि सपोर्टिंग कास्ट होते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस से मूवी में ऑडियंस को बांध सकते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे करेक्टर, पर ये ऐसे करेक्टर है जो कि उस खाली जगह को फिल करते हैं जो कि तुम्हें बोरिंग स्पीच की तरफ ले जाती है। एंड आई होप कि ये फटे मूवी में, और इन्हीं करेक्टर्स में से एक और करेक्टर है छोटे मियाँ का, जो कि कार्तिक आर्यन के साथ रहता है, जिसको कि टीजर में दिखाया हुआ था इन्होंने, पर ट्रेलर में एक सिंगल डायलॉग तक नहीं है, जिसको मेकर्स ने मूवी के लिए बचा के प्रोबेबली रखा हुआ है। नाउ मूव ऑन मंजुलिका कैरेक्टर्स, एंड दैट्स आर टू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जिसकी वजह से तुम इसको चाहकर भी मिस नहीं करना चाहोगे। जहाँ वो नोइसी आर्गुमेंट पे लड़ाई हो जाना औरतों में कि मैं सच्ची हूँ और तू झूठी है, जहाँ ये थिएटर के लिए बनी हुई मूवी है तो मैं इसे ओवरहाइप्ड नहीं करना चाहता हूँ, और अगर यही OTT पर बनी हुई वेब सीरीज होती तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था इसकी गंदी हरकतों में अपनी गाली गलौज को लेकर, जहाँ तुम्हें इसके क्लाइमैक्स में कोई मिनी कैट पार्टी देखने को मिलेगी। वैसे मैं इसको डिफेंड नहीं करता हूँ, वैसे भी इसको काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, पर मैं इसमें इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये कोई 18 से 25 साल के बीच में होने वाली लड़कियों की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे वुमेन वर्सेस वुमेन होने वाली है, एक तरफ माधुरी दीक्षित, दूसरी तरफ विद्या बालन, और ये फाइट तुम्हें केवल ग्राउंड में ही नहीं देखने को मिलेगी, ये फाइट तुम हर उस जगह देख सकोगे जहाँ पे वो दोनों स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। डांस में डांस कॉम्पिटिशन, फिर वो रुतबा की रुतबा मेरा बड़ा है तो डर भी मेरा होना चाहिए, और वो क्लासिक डांस
आमी जे तुम्हारो गानों पर विद्या बालन एक्स माधुरी दीक्षित दे आर कॉम्पिटिटर ईच अदर और वो इस मूवी का पीक सीन होगा। और अगर भूल भुलैया 3 की स्टोरी भूल भुलैया 2 से कंटिन्यू होती है तो फिर ये मेरी थ्योरी है, ऐसा प्रोबेबली हो सकता है कि तब्बू भी देखने को मिल जाए, क्योंकि 2 मंजुली का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तीसरी मिस हॉट तृप्ति डिमरी जो कि अभी के लिए कंफर्म नहीं है, तो एक और प्योर सोल डायन लाने में क्या ही दिक्कत है। एंड नाउ दैट्स आर द रीजन कि जितना हल्के में इसका ट्रेलर देखने के बाद इस मूवी को लिया जा रहा है, उतनी हल्की साइज से मूवी देखने को ना मिले और जितने भी मैंने फैक्ट बताए हुए हैं साइज से वो मूवी में जाके फटे। और अगर ऐसा होता है तो फिर मेकर्स खेल गए हैं कुछ भी ना दिखाते हुए ट्रेलर में मूवी के लिए बचाते हुए, और सिंघम अगेन ने अपने ट्रेलर में ही सब कुछ दिखाया हुआ है। सो दिस इज माय ओपिनियन फॉर भूलभुलैया 3। तुम अपना बता सकते हो, अगर कुछ गलत लगा हो तो तुम सही बता सकते हो, और अगर यहाँ तक आ चुके हो तो फिर एक लाइक तो कर ही देना। बाकी ऐसे ही देखते रहो सैम टेलीकास्टर।